दोस्तों, दुनिया में हर देश अपने अलग कामों के लिए फेमस है, चाहे वह अच्छा काम हो या बुरा काम। आज हम उन्हीं में से 10 ऐसे देश को लेकर आए हैं जो आपको भरपूर खुश कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जहां सेक्स वर्क सेक्स पूरी तरह फ्री है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 सेक्स फ्री कंट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है स्पेन। दोस्तों, स्पेन यू तो एक दुनिया का एक खूबसूरत देश है, पर दोस्तों स्पेन एक बहुत बड़ा सेक्स वर्कर और सेक्स टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। दोस्तों, स्पेन की वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनमें से एक है सेक्स टूरिज्म और वहाँ की खूबसूरत लड़कियों का इस फील्ड में काम करना। दोस्तों, स्पेन दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादातर लोग आमतौर पर सेक्स कंट्री का और सेक्स टूरिज्म का मजा लेने ही जाते हैं। दोस्तों, स्पेन में सेक्स टूरिज्म एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया बनता जा रहा है। दोस्तों, स्पेन में ये लीगल तरीके से भी किया जाता है। दोस्तों, स्पेन सेक्स टूरिज्म के नजर से स्पेन एक बहुत बड़ा कंट्री के रूप में खुद को एस्टेब्लिश कर रहा है। दोस्तों, स्पेन में आमतौर पर क्लाइंट ज्यादातर पुरुष और वर्कर के रूप में महिलाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आप भी वह सब करना चाहते हैं जो आप इंडिया में खुले तौर पर नहीं कर सकते, तो आप स्पेन में जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, दूसरा देश है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड एक खूबसूरत देश है। सेक्स टूरिज्म के नाम पर आने वाले देश में थाईलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, थाईलैंड उन गिने चुने देश में है जहां सेक्स टूरिज्म और सेक्स वर्कर के नाम पर थाईलैंड खूब कमाई करता है। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के उन देश में है जहां पुरुषों की संख्या बहुत कम है और खुलेआम सेक्स वर्क का ये भी एक मुख्य कारण है। दोस्तों, थाईलैंड में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आपको तमन्ना है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों, थाईलैंड की सेक्स वर्कर काफी गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव भी होती है, जिसके कारण थाईलैंड विदेश से आए टूरिस्ट की पहली चॉइस में भी होती है। दोस्तों, थाईलैंड में सेक्स वर्कर ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां दोनों होती हैं, जो कि अपनी मर्जी से काम करती हैं। तो दोस्तों, थाईलैंड का टूरिज्म भी सेक्स टूरिज्म के लिए फेमस है। दोस्तों, लगभग 3 मिलियन सेक्स वर्कर थाईलैंड में एक्टिव है। दोस्तों, थाईलैंड का बैंकॉक शहर रेड लाइट एरिया के लिए दुनिया में फेमस एरिया में से एक है। दोस्तों, थाईलैंड की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को देखते हुए इसे लीगल कर दिया है। दोस्तों, अब बात आती है ब्राजील की। ब्राजील सेक्स टूरिज्म के नजर से एक फेमस कंट्री के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करता जा रहा है। दोस्तों, ब्राजील देश अपने खूबसूरत प्लेस और फेस्टिवल के लिए ही अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि ब्राजील में सेक्स वर्कर भी एक बड़ा टूरिज्म का कारण है। आपको पता है दोस्तों, ब्राजील गवर्नमेंट खासकर वर्ल्ड कप के दौरान इस बिजनेस पर काफी ध्यान रखती है। दोस्तों, यहाँ फीमेल ही नहीं बल्कि मेल वर्कर को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल के साथ साथ मेल की भी काफी डिमांड है। हालांकि ब्राजील एक घूमने के लिए भी काफी खूबसूरत देश है, लेकिन सेक्स को लेकर ये देश थोड़ा सा बदनाम हो चुका है। दोस्तों, अगला नाम आता है डोमिनिकन रिपब्लिक का। जी हाँ दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक सेक्स टूरिज्म के लिए दुनिया भर में काफी पॉपुलर कंट्री में से एक बनता जा रहा है। दोस्तों, ज्यादातर कैरेबियन देशों में सेक्स टूरिज्म का कारोबार ज्यादातर बढ़ रहा है, खासतौर से फीमेल सेक्स टूरिज्म का। डोमिनिकन रिपब्लिक उन्हीं गिने चुने देशों में से एक है जहाँ की ज्यादातर महिलाएं सेक्स वर्कर ही हैं और इससे उनका रोजी रोटी भी चलता है। दोस्तों, 60,000 से 1 लाख महिलाएं यहाँ एक्टिव सेक्स वर्कर हैं और इस काम के लिए इन महिलाओं को विदेश में भी भेजा जाता है। दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक में प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने की वजह से यहाँ ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां भी आसानी से दिख जाएंगी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन और यूरोप के बीच में बसे होने के कारण सेक्स टूरिज्म यहाँ ज्यादा फेमस है और यहाँ की लड़कियां भी काफी खूबसूरत है, जिसके कारण कहा जाता है कि यहाँ सेक्स प्लांट काफी सक्सेस रहा है। दोस्तों, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड का एमस्टरडम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की लड़कियां भी इस देश की तरह खूबसूरत होती है और दोस्तों, जब बात सेक्स टूरिज्म की आती है तो वो भी काफी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर आकर आपको बहुत से रेड लाइट एरिया देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में लोअर से लेकर अपर तक सेक्स वर्कर अवेलेबल कराए जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने के कारण यहाँ सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर उम्र, समय और ब्यूटी के आधार पर 100 से 200 यूरो चार्ज किए जा सकते हैं और आपको अपने मनपसंद की लड़कियों के लिए इससे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगला नाम आता है केन्या का। केन्या में हाल के कुछ दिनों में सेक्स टूरिज्म में बूम देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ का गरीबी भी एक मुख्य कारण है जो सेक्स वर्कर को और भी प्रमोट कर रही है। दोस्तों, केन्या में ज्यादातर महिलाएं सेक्स वर्क को आसान समझकर इस फील्ड में कूद जाती है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में देह व्यापार गैर कानूनी है दोस्तों, पर फिलीपींस सेक्स टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। दोस्तों, फिलीपींस में सेक्स वर्क गैर कानूनी होने के बावजूद भी आम बात हो गया है। सरकार की सारी कोशिश अब तक नाकाम रही है। सेक्स टूरिज्म फिलीपींस का कमाई का एक मोटा जरिया बन चुका है। दोस्तों, कोलंबिया साउथ अमेरिका में फेमस सेक्स टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कोलंबिया में वैसे तो बहुत सारे गैर कानूनी धंधों के लिए फेमस कंट्री है, पर आजकल कोलंबिया साउथ अमेरिका का सेक्स वर्कर और सेक्स टूरिज्म के लिए भी फेमस कंट्री है। दोस्तों, अब अगला नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया चाइल्ड सेक्स ट्रैफिक के लिए मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ इसे लीगल माना जाता है। इसी के चलते यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या लाखों में होती है।
दोस्तों ये वो देश हैं जो सेक्स फ्री हैं, और जहाँ नहीं भी है वहाँ धड़ल्ले से ये काम होता है। क्या आपको इन देशों के बारे में पहले से जानकारी थी? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।